अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो मेरे साथ ज़हीर भाई, सफदर भाई इंटरव्यू ले रहे हैं और आज हम आए हैं एक भैंसों के फार्म में, और साथ में इन्होंने वो कबूतर वगैरह भी रखे हुए हैं। और इसके अलावा कोई चीज़ आए, इसके अलावा कोई चीज़ आए बस भैंस है और कबूतर। हाँ, तो भैंस और कबूतर रखे हुए हैं इन्होंने। मैं आपको कबूतर दिखाऊंगा। इसके अलावा मेरे ख्याल में इन्होंने असील मुर्ग रखे हुए हैं, और ये तीन चीज़ें हैं फिलहाल। तो देखिए आप जी। तो दोस्तों, ये है इनके मुर्ग, असील मुर्ग हैं जो कि अभी पानी पी रहे हैं। तीन तीन ये खड़े हैं, तीन उधर है, दो टोकरे के ऊपर हैं और एक टोकरे के नीचे है। अब ये जो बता रहे हैं, ये असील कह रहे हैं कि, लेकिन मुझे बिल्कुल इनकी शिनाख्त नहीं है कि ये असील हैं या बस बाकी जो आम नस्लें होती हैं। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट में लाजमी बताएं कि असील है कि। और इस मुर्ग की जो ये बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, तकरीबन 2 लाख रुपए है इसने अभी इनाम में जीता है, और ये 2.5-3 लाख रुपए का ये कह रहे हैं कि हमारा ये मुर्ग है। और बाकी वो सामने 2-3 खड़े हैं, और बाकी आप ये कुदरती तौर पर जो कि इनको दाना वगैरह दिया जाता है, दाने दे रहे हैं, फेंक रहे हैं, और इस तरह ये इकट्ठे होकर खा रहे हैं। बाकी इस तरफ आप भाई कबूतरों को भी दाने दे रहा है, फेंक रहा है, और बाकी दूसरे कबूतरों का, परवाज वाले कबूतरों का ये इन्होंने निज़ाम रखा हुआ है। माशाल्लाह पिंजरा आप देखें, शौक का भी कोई मोल नहीं होता। सुना था लेकिन आज देख भी लिया कि वाकई शौक का कोई कीमत नहीं होती। देखा जाए तो भाई ने बहुत ही खर्चा किया हुआ है। और भाई बता रहे हैं, भाई सफदर के इंटरव्यू में, कि 2.5-3 लाख रुपए इस पर खर्चा मैंने किया है। और कबूतर जो मंगवाए हैं वो अलहदा तरीके से, अभी ये सीढ़ियाँ भी हैं दरमियान में से, जिसके ऊपर चढ़कर भाई अपने कबूतरों वगैरह को दे सकता है, और बाकी इधर घर की तरफ भी जा सकता है, कमरे के ऊपर भी। दोस्तों, भाई सफदर ने इंटरव्यू ले लिया है, और आपको, आपने भी मुर्ग और कबूतर देख लिए हैं। आइए भाई सफदर से कुछ बातें करते हैं। सर, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू माशाल्लाह गुड रहा है। और जितने भी फार्म्स के इंटरव्यू किए हैं उनमें से, जितने बेस्ट इंटरव्यू किए हैं ना, उनमें से ये एक है। अच्छा, उसकी रीज़न ये है कि इस फार्म पर बहुत अच्छी अच्छी भैंसें हैं, और इनका जो सांड है माशाल्लाह वो बहुत ज़बरदस्त है। और भैंसें जो एक एक भैंस इनकी 6-7 लाख रुपए की है, और हाई रिकॉर्ड मतलब इनका है दूध देने में, और ये मुकाबले में जो जीती हुई भैंसें हैं। तो अगर आपने वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। और भाई साहब, जरा आप भैंस के बारे में मुकम्मल इनसे तफसील ली। हमने कबूतर और मुर्ग देखे, माशाल्लाह वो बहुत खूबसूरत थे। आपको भैंसें कैसी लगी? भैंसें, आपको बताया कि भैंसें जो वाकई इनकी बहुत अच्छी हैं, जितनी भी भैंसें हमने देखी हैं उनमें से अच्छी भैंसें हैं। मतलब और भी फार्म्स पर अच्छी भैंसें हैं, लेकिन ये उनके मतलब लेवल की भैंसें हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको भाई सफदर ने बताया कि बहुत ही अच्छी और खूबसूरत भैंसें हैं, और मैंने आपको कबूतरों के बारे में बताया कि इन्होंने शौकी तौर पर रखे हुए थे, और बाकी जो है अभी भाई सफदर कबूतरों पर भी इंटरव्यू लेने रह गए हैं। तो देखते हैं क्या सकते हैं। भाई सफदर ने कबूतरों का भी इंटरव्यू दे लिया है, लेकिन अभी वो यहाँ पर नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़ी जल्दी है, शाम होने वाली है, और वापसी को जाने के, वापसी जाना है, और काफ़ी सफ़र पर आए हुए हैं। तकरीबन सरगोदे वाली साइड पर हम आए हुए हैं, और सरगोदे यहाँ से 5-1 किलोमीटर दूर है, और अभी थोड़ी सी फोटोग्राफी कर रहे हैं भाई सफदर और ज़हीर भाई, थोड़े से मशवरे दे रहे हैं। मेरा कुछ भी नहीं, ब्लॉग ना इंटरव्यू। कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह हाफिज़।